अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्पाइस कुजीन। आज हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल्स और ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी वे में। इसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। आप चाहें तो आप इनको बिस्किट ट्रफल्स भी कह सकते हैं, चॉकलेट बिस्किट ट्रफल्स भी इनको कहा जा सकता है। और ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, लेकिन जब ये बनती है और ये बहुत मज़े की लगती है, आपके बच्चों को भी आई एम श्योर बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने जब ये बनाई तो मेरे बच्चे तो इसके फ़ैन हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेसिपी से। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं उसमें मुझे सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं चॉकलेट बिस्किट्स। यहाँ मैं ओरियो बिस्किट्स इस्तेमाल कर सकती हूँ, ओरियो ट्रफल्स बन जाएंगे ये, आप वो भी इनको कह सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से इस्तेमाल कर लें। मैं आज थोड़े कम ही बना रही हूँ और मैंने सिर्फ ये 200 ग्राम लिए हैं। अब मैं इन बिस्किट्स को एक प्लास्टिक बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें डालकर मैं इनको क्रश करूँगी एक बेलन की मदद से। अगर आप चाहें तो आप ये स्टेप ना करें, आप इसको एक ग्राइंडर में डालें और उसमें आप पीस लें, लेकिन मैं इस तरह इसको करना प्रेफर करती हूँ। इस तरीके से आप इसको दबाकर इसका एक पाउडर बना लें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो इसकी क्रीम थी बिस्किट्स की वो भी इसी में शामिल की है, उसको मैंने रिमूव नहीं किया। ये देखिए इस तरह का पाउडर हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी हैवी क्रीम। ये तकरीबन 200 ग्राम बिस्किट्स के लिए 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें जाएगी। आप एकदम से ना डाल दें सारी, थोड़ी थोड़ी करके डालें, फिर मिक्स करके देखें कि कितनी आपको और ज़रूरत है, फिर आप इसमें थोड़ी और डाल लें। अगर आपके पास हैवी क्रीम नहीं है तो आप ये स्टेप दूध के साथ भी कर सकते हैं। सिंपल जो दूध हम घर में इस्तेमाल करते हैं आप वो ले लीजिए, क्योंकि मैंने बिस्किट्स में जो क्रीम होती है वो भी इस्तेमाल की है। इसलिए अगर आपके पास हैवी क्रीम नहीं है तो आप इसको दूध से रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लिया है और ये देखिए इस तरह का एक स्टिकी सा मिक्सचर आपके पास आएगा, ये देखिए। और इसकी कंसिस्टेंसी को ऐसे ही होना चाहिए। अब मैं इसकी बॉल्स बनाऊंगी। आप जितनी बड़ी या जितनी छोटी जैसे पसंद करते हैं वैसे आप बना सकते हैं। मैंने इनको बाइट साइज़ में बनाया था क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहती हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा हाथ में लीजिए, ये देखिए। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। इसको आप हाथ में लें, हथेलियों के दरमियान रख के आप इसको रोल करें और ये बहुत ज़बरदस्ती क्रैक फ्री बॉल तैयार हो जाएगी, क्योंकि मिक्सचर पहले ही काफ़ी स्टिकी है इसलिए बहुत आसानी से बनती जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप इन बॉल्स को बनाते जाएं। बॉल्स मैंने बना ली हैं, अब आप इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छी तरह सेट हो जाएं। अगर सर्दियां हैं तो इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ही सेट हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैंने ली है मिल्क चॉकलेट, आप चाहें तो आप डार्क चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने ली है तकरीबन 100 ग्राम और इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो वाटर बाथ में इसको मेल्ट कर लें या फिर माइक्रोवेव में कर लें। ये हम इस्तेमाल करेंगे अब बॉल्स की कोटिंग के लिए। आप पहले बॉल लें और इसको इस चॉकलेट में डिप करें और एक कांटे की मदद से आप इसको बाहर निकाल लें जब ये चारों तरफ से कोट हो जाए। एक्स्ट्रा चॉकलेट आप इस तरीके से ड्रिप ऑफ कर दें। और यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया है, आप पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर
आप इन बॉल्स को रखते जाएं चॉकलेट में कोट करके। ये देखिए तमाम बॉल्स जो मैंने बनाई थी उनको मैंने चॉकलेट में कोट करके इसके ऊपर रख दिया है। अब आप इसको छोड़ दीजिए जब तक ये जो इसके ऊपर हमने चॉकलेट की कोटिंग की है वो अच्छी तरह से सख्त हो जाए, यानी कि खुश्क हो जाना चाहिए इसको बिल्कुल। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ज़बरदस्ती खुश्क हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से बटर पेपर के ऊपर से उतर जाती हैं। इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि जब हम इसको निकालें तो ये आसानी से निकल आएँ। एक्स्ट्रा चॉकलेट अगर आप नीचे एजेस पे है तो आप उसको रिमूव कर लें। ये देखिए एक मैंने आपको काट के दिखाया है कि ये अंदर से कैसे लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये स्नैक भी आप इसको कह सकते हैं, स्वीट भी कह सकते हैं, और सर्दियों में आप इसको कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।